हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर हैनीमैन की लाइफ हिस्ट्री के पार्ट टू के बारे में। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में उनके बर्थ, उनके कंट्रीब्यूशंस, उनके करेक्टरिस्टिक्स लाइफ के बारे में सब बताए थे, अब हम नेक्स्ट और बात करेंगे इस बारे में कि उनकी पूरी लाइफस्टाइल में क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या किया और उनकी डेथ कैसे हुई। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देयर वॉज एन एपिडेमिक ऑफ टाइफस इन विच ही प्रिस्क्राइब ब्राइन एंड रस्टॉक्स एज जीनस एपिडेमिकस। जीनस एपिडेमिकस जो कि हम ऑर्गेनॉन में पढ़ते हैं, वो तभी डिस्कवर हुआ था जब डॉक्टर हैनीमैन ने ब्राइनर और रस्टॉक्स दी थी टाइफस के केसेस में, जब एपिडेमिक हो गया था तभी से ये वर्ड आया था जीनस एपिडेमिकस। फिर उसके बाद 1819 में क्या हुआ था, ट्रीटिंग अ जनरल इन आर्मी नेपोलियन स्क्वाइजनबर्ग, ही डाइड आफ्टर हिज ट्रीटमेंट बिकॉज विच हैनीमैन हैड टू फेस ट्रायल। क्या हुआ था, वो जब फेल हो गए थे उनको ट्रीट करने में और वो डाई हो गए थे नेपोलियन आर्मी के जनरल, तो इस वजह से क्या हुआ था, डॉक्टर हैनीमैन पे बहुत बुरे बुरे इल्ज़ाम लगे थे और उनको कहा गया था कि होम्योपैथी तो एक्ट नहीं करती। इस वजह से क्या हुआ था, उनको बैन कर दिया गया था डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड डिस्पेंसिंग हिज ओन मेडिसिन 1820 में। तो ये सब उन्हें फेस करना पड़ा था। फिर 1821 में बिकॉज ऑफ एंटागोनिज्म फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन डिसएग्री अगेंस्ट हिम ही लेफ्ट लिप्सिक एंड शिफ्टेड टू कोएथन। ठीक है, अब क्या हुआ था, उन पे बहुत सारे ऑफिशियल ब्लेम लगा दिए गए थे कि तुम ये गलत काम कर रहे हो और ये सब, तो इस वजह से मेडिकल प्रोफेशन से उन्हें हटा दिया गया था और इस वजह से उन्होंने लिप्सिक भी छोड़ दिया था और फिर वो शिफ्ट हो गए थे कोएथन में, जबकि उनका बर्थ हुआ था मिशन में। फिर वो लिप्सिक गए, फिर वहाँ से अब वो शिफ्ट हुए कोएथन में। ठीक है, फिर उसके बाद 1827 में ही कॉल्ड हिज टू डिसिपल स्टाफ एंड ग्रॉस टू डिस्क्लोज हिज थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज की थ्योरी आई थी 1827 में, जो कि उन्होंने डिस्क्लोज करी थी ग्रॉस और स्टाफ को, जो उनके टू डिसिपल्स थे। फिर उसके बाद 1830 में हैनीमैन फर्स्ट वाइफ जोहाना हेनरिटे डाइड ऑन 31 मार्च 1830 में, उनकी वाइफ फर्स्ट वाइफ जो थी उसकी डेथ हो गई थी। देन 1835 में हैनीमैन री मैरिड टू मैडम मिलिनी। ठीक है, उन्होंने फिर से शादी करी थी 18 जनवरी 1835 में। ठीक है, और हैनीमैन शिफ्ट हो गए थे पेरिस में जून में, सबसे पहले मिसिन, फिर लिप्सिक, फिर कोएथन, फिर उसके बाद पेरिस 1835 में। देन 1842 में क्या हुआ, हैनीमैन कंप्लीटेड द वर्क ऑफ सिक्स एडिशन। ठीक है, सारे एडिशन जो थे वो बीच में आए थे 1811 से लेकर 1842 तक। अब जो सिक्स एडिशन आया था डॉक्टर हैनीमैन का, उन्होंने सिक्स एडिशन 1842 में कंप्लीट कर लिया था, लेकिन क्या हुआ था, फिर 11 जुलाई 1843 में उनकी डेथ हो गई थी। इसलिए उनकी डेथ के बाद जो है वो पब्लिश हुआ था। तो और उनकी डेथ किस वजह से हुई थी, ब्रोंकियल कैटार की वजह से, ब्रोंकियल अस्थमा जिसको हम कहते हैं। डॉक्टर हैनीमैन वॉज बरेड ऑन 11 जुलाई 1843 एंड मॉन्ट मार्टे सीमेंट्री के बीच में उनको बरेड किया गया था। ही वॉज बरेड इन ग्रेव इन विच ऑलरेडी 2 पर्सन वर बरेड। ठीक है, जहाँ पर 2 पर्सन ऑलरेडी बरेड थे, तो ये बहुत बुरा हुआ था। डॉक्टर जार इशूड हिज डेथ सर्टिफिकेट, हिज वाइफ मेलेनी आस्क टू परमिशन फ्रॉम पुलिस टू कीप हैनीमैन डेड बॉडी फ्रॉम 14 to 21 days, बट शी गॉट परमिशन। तो उनकी वाइफ चाहती थी कि ये कुछ दिन तक मेरे यहाँ ही यहीं रहे इनकी डेड बॉडी, लेकिन पुलिस ने उन्हें सिर्फ 14 days की परमिशन दी थी। 1847 में मैडम मिलिनी ने फिर क्या किया था, बिना डिप्लोमा या बिना किसी कोर्स के होम्योपैथी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से उन्हें फ्रेंच कोर्ट ने फाइन किया था, यानी उनको सजा दी गई थी और उनसे फाइन लिया गया था। फिर 1865 में डॉक्टर आर्थर लुडजे ब्रॉट आउट द सिक्स एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन। इन दिस ही एडवोकेटेड यूज ऑफ डबल मेडिसिन एट अ टाइम। ठीक है, डॉक्टर आर्थर लुडजे जो थे वो सिक्स एडिशन लाए थे ऑर्गेनॉन का, जिसमें उन्होंने डबल मेडिसिन के बारे में बात की थी, क्योंकि हमारे में सिमिलिमम और सिंगल डोज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी, लेकिन इन्होंने डबल मेडिसिन के एक टाइम पे 2 मेडिसिन 3 मेडिसिन कैसे दे सकते हैं और क्यों देनी चाहिए, इन्होंने इस थ्योरी के बारे में बात करी थी। देन 1878 में मैडम मेलेनी डाई। ठीक है, 78 में वो भी डाई हो गई थी, जो डॉक्टर हैनीमैन की सेकंड वाइफ थी। हैनीमैन्स ग्रेव वॉज एक्सुमेटेड एंड ही वॉज रीबरिड इन द पेयर लेकेसे सीमेंट्री। ठीक है, इसमें उनका रीबरिड किया गया था डेड बॉडी को। 55 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ ऑन 24 मई 1898,
ठीक है, इतने 55 ईयर्स के बाद उनकी डेथ के फिर रीबरिड किया गया था. सुस हैनीमैन, हैनीमैन्स ग्रैंडसन वाज द ओनली पर्सन प्रेजेंट इन बोथ द बरियल्स ऑफ हैनीमैन. फर्स्ट जब परेड हुआ था डॉक्टर हैनीमैन का, तब भी वो प्रेजेंट थे, सुस हैनीमैन जो कि इनके ग्रैंडसन थे, और देन जब दोबारा से हुआ था 55 ईयर्स के बाद, तब भी वो प्रेजेंट थे. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है इस तरह का, वाइवा में या किसी भी थ्योरी एग्जाम में भी ऐसे तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं या फिर उसमें पूछ लेते हैं वाइवा में. तो 35% वर प्रेजेंट द सेकेंड बरियल ऑफ डॉक्टर हैनीमैन. ठीक है, सिर्फ इतने लोग ही प्रेजेंट थे. इन द ग्रेवियर देर इज एन इंस्क्रिप्टेड नॉन इंट्यूलिस विक्सी, मीन्स नॉट लिव्ड इन वेन. ठीक है, इसके बारे में बताया गया था. देन 1920 में क्या होता, रिचर्ड हेल सक्सीड इन प्रोक्योरिंग मैनस्क्रिप्ट कॉपी ऑफ सिक्स्थ एडिशन विद फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ डॉक्टर विल्मर्स काबे स्क्वाबे. तो इन्होंने क्या किया था, डॉक्टर रिचर्ड हेल थे ना, उन्होंने मैनस्क्रिप्ट के बारे में लिखा था सिक्स्थ एडिशन में, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट डॉक्टर विल्मर्स स्क्वाबे ने दिया था. और डॉक्टर हैनीमैन हैज़ प्रूव 99 मेडिसिन इन हिज लाइफ टाइम, बट कंसिडर इट एज 100. ठीक है, उन्होंने 99 मेडिसिन जो थी सबसे ज़्यादा इन्होंने करी थी, और सबसे पहले, क्योंकि यही थे जो उन्होंने जिन्होंने प्रूव की थी सारी मेडिसिन, और इन्होंने स्टार्टिंग की थी होम्योपैथी को. बींग अ एलोपैथ ही वॉज फर्स्ट हु कन्वर्ट हिमसेल्फ इंटू होम्योपैथी, होम्योपैथिक डॉक्टर. सो ही प्रूव्ड सुराइनम फर्स्ट नोसोर्ड इन द फर्स्ट टाइम, जो कि अपियर हुआ था स्टैफ आर्काइव में. सुराइनम जो था फर्स्ट नोसोर्ड था, और इन्होंने सबसे पहले हैनीमैन, डॉक्टर हैनीमैन ने प्रूव किया था, और इन्होंने नोसोर्ड की थ्योरी सब बताया था. ऑल्दो ही हैड प्रूव मेम्ब्रा ग्रीस इन 1820, बट इट वॉज प्रायर टू नॉमन क्लेचर ऑफ नोसोर्ड बाय हेरिंग. हेरिंग ने इसको दिया था, हेरिंग ने इसको नॉमन क्लेचर दिया था, इसलिए डॉक्टर हैनीमैन ने सुराइनम किया था. डॉक्टर लेमैन ऑफ कॉयथन प्रिपेयर ऑल मेडिसिन फॉर हैनीमैन. ठीक है, इन्होंने प्रिपेयर किया था मेडिसिन को डॉक्टर हैनीमैन के लिए. तो ये सब हमारा ब्रीफ था जो कि मैंने बताया डॉक्टर हैनीमैन की लाइफ हिस्ट्री के बारे में. अगर आपको और किसी टॉपिक के बारे में जानना हो या पढ़ना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि और वीडियोस आप आगे भी पा सकें. थैंक यू.